नमस्कार, मैं भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का ये वीडियो नीट 90 की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। नीट 90 एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है विथ अ न्यू कॉन्सेप्ट। इनका कॉन्सेप्ट ये है कि आप यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट पेइंग एनी फीस एडमिशन लेंगे, आप अपनी कोचिंग पूरी कंप्लीट करेंगे और एक साल बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आपको इसकी फीस पे करनी होगी, नहीं तो ये कोचिंग आपसे कोई भी फीस नहीं लेता है। मेरे पास कुछ लोगों के बहुत सारे आ रहे थे ईमेल कि क्या हम बीडीएस के बाद अगर चाहें कि डेंटिस्ट्री के अलावा कुछ अच्छे जॉब्स कर लें, मतलब कि हम डेंटिस्ट्री में आगे नहीं बढ़ना चाहते, हम कोई जनरल प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, तो क्या कुछ ऐसे अच्छे जॉब्स अवेलेबल हैं? बिल्कुल अवेलेबल है। आप बीडीएस के बाद एमबीए कर सकते हो। इससे पहले मैं आपको छोटा सा स्टोरी सुनाऊंगा और मैं लास्ट में बताऊंगा वीडियो के कि मैंने ये स्टोरी आपको सुनाया क्यों। ये स्टोरी रामचरितमानस का है। स्टोरी ये है कि जब युद्ध समाप्त हो जाता है और रावण हार जाता है, जब रावण अपने मृत्युशैया पे पड़ा होता है तो लक्ष्मण जी उनके पास जाते हैं, तो रावण ने एक क्वेश्चन पूछते हैं, रावण क्वेश्चन पूछता है लक्ष्मण से कि मैं अपने जमीन पर था, अपने आसमान के नीचे था, मतलब मैं अपने घर पे था, राम अयोध्या से आया, समुद्र पार करके आया, मेरी जमीन पर मुझे हरा दिया, क्यों? जबकि मैं हर तरीके से राम से बेहतर था, मैं राम से ज्यादा शक्तिशाली हूं, मेरा जो सैन्य बल है वो राम से कहीं ज्यादा है, सब कुछ मेरे पास होते हुए भी मैं क्यों हार गया? लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे पास इसका आंसर नहीं है। तो राम ने फिर से पूछा, लक्ष्मण को बोला कि तुम पूछो कि क्या रीजन है, वाई, ऐसा क्या हुआ, ये बात सच है? राम जी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये सच है कि सब कुछ उसके पास मुझसे ज्यादा है, फिर भी वो हार गया और मैं जीत गया, पूछो लक्ष्मण क्यों? तो लक्ष्मण जी बहुत प्यार से पूछते हैं रावण से कि मुझे तो नहीं पता कि क्यों हार गया और क्या ऐसी चीज है जो राम के पास है और आपके पास नहीं है। तो रावण ने बोला, राम चरित्रवान है और मैं चरित्रहीन। ये जो मैंने लास्ट में बोला ना, लास्ट लाइन चरित्रवान और चरित्रहीन, ये मैं लास्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्यों, वाई ये स्टोरी मैंने आज क्यों सुनाई आपको। तो बात करते हैं कि एमबीए कर सकते हैं। आप जिससे भी पूछोगे वो आपको ही बताएंगे, हाँ एमबीए कर सकते हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कर लो। व्हाई? हम सिर्फ हॉस्पिटल मैनेजमेंट में ही क्यों एमबीए करें? हम मार्केटिंग में एमबीए क्यों नहीं कर सकते? आप मार्केटिंग में एमबीए कर सकते हैं। आपको दूसरे लोग ये कहेंगे कि मार्केटिंग में एमबीए करके क्या करोगे? नॉर्मल लोग एमबीए के करते हैं मार्केटिंग में, वो ग्रेजुएट होते हैं, अकाउंट सेक्शन से होते हैं और वो मार्केटिंग में कर लेते हैं एमबीए। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि सिर्फ डेंटिस्ट्री एंड डेंटिस्ट्री मटेरियल, जो डेंटल मटेरियल जिसको आप यूज कर किए थे अपने कॉलेज लाइफ में, क्लिनिक्स में जो यूज होते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो यूज होते हैं, ये सिर्फ 30,000 करोड़ रुपीस का मार्केटिंग करता है इंडिया में, सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए का। और इसके लिए जो मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं, जो भी होते हैं, वो एक नॉर्मल ग्रेजुएशन करके फिर एमबीए कर लेते हैं मार्केटिंग में। कंपनी के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। अगर कंपनी कोई ऑप्शन मिले कि आपको कोई एमबीबीएस या बीडीएस प्लस एमबीए इन मार्केटिंग हो तो हर कंपनी प्रेफर आपको करेगी लेना, बट ऐसा उन्हें बहुत कम मिलता है क्योंकि आफ्टर एमबीबीएस या बीडीएस सिर्फ 0.1% लोग हैं जो एमबीए करते हैं, सिर्फ 0.1% टोटल के, नहीं तो बाकी लोग या तो एमडीएस के लिए जाते हैं या तो फिर नॉर्मल क्लिनिक्स ओपन कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका मन नहीं होता है डेंटिस्ट्री में। मेरे पास ईमेल ही आया था कि मैं डेंटिस्ट्री में एडमिशन ले लिया, मैंने 3 साल निकाल लिए, मेरा 4th साल है, मैं इंटर्नशिप में हूँ, बट मैं आगे नहीं चाहता हूँ कि मैं एमडीएस करूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एक कॉर्पोरेट जॉब करूँ। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप मार्केटिंग कर लें, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर लें, ये दो बहुत ही परफेक्ट है। अब बात आती है कि इसे करने के लिए हमें करना क्या होगा। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आप कोचिंग ले सकते हैं और आप पढ़ाई आगे कर सकते हैं तो आप कैट के थ्रू जाइए या मैट के थ्रू जाइए। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मैं बोर हो गया हूँ, मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, फॉर एग्जांपल मेरा ही ले लीजिए, मैं तो खुद बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि यार बस हो गया, अब बीडीएस के बाद आगे मुझे नहीं पढ़ना है,
बस निकाल लिया मैंने, क्वालिफाई कर लिया, 5 साल हो गए, अब और नहीं मुझे घिसना है। तो ठीक है, आप MBA के लिए जाइए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है कैट मैट ऐसा कुछ भी, आप क्वालिफाई करने योग्य नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसमें फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, तो कोई बात नहीं, बहुत सारे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं दिल्ली में, बॉम्बे में, चेन्नई में, कलकत्ता में, जो कि आपको डायरेक्ट एडमिशन देते हैं। आप उस कॉलेज में जाइए और मार्केटिंग में एडमिशन लीजिए। बाद में आप मार्केटिंग इन डेंटिस्ट्री के लिए 3 महीने का कोर्स होता है, वो कंप्लीट कीजिए और आप बन जाइएगा BDS MBA मार्केटिंग इन डेंटिस्ट्री। और बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, बहुत सारी डेंटल मटेरियल कंपनी है जिनको रिक्वायरमेंट, और आपकी जो एवरेज सैलरी होती है, जो मैंने लास्ट ईयर का चेकआउट किया, वो नियरली 11 लाख रुपीस की होती है, 11 लाख टू 12 लाख रुपीस पर ईयर की आपको पैकेज मिल जाती है, एवरेज है, जाती तो ये 50 टू 60 लाख तक भी है, डिपेंड करता है आप पे, बट मिनिमम सैलरी भी बहुत ही हैंडसम सैलरी होती है इसकी। और ये बहुत टफ नहीं है आपके लिए, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं MBA, आप मार्केटिंग में कर लीजिए या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कर लीजिए। कि आपको मैंने वो स्टोरी क्यों सुनाया था, जब आप MBA करते हैं तो आपका चरित्र ही सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर प्ले करता है वहां पे, क्योंकि जब आप MBA इन मार्केटिंग होते हैं तो पूरी कंपनी की डोर भाग आपके हाथ में होती है और आपके वर्ड्स की वैल्यू होती है, जो आप कमिटमेंट कर दोगे अपने कस्टमर को वो मानना पड़ेगा कंपनी को भी। तो आपका चरित्र साफ होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप MBA करते हो मार्केटिंग में। सेम थिंग है हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी, आप चाहो तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कर लो MBA। आपको कोई भी क्वेरी हो इससे कि हाँ ठीक है मुझे नहीं मिल पा रहा है, किस कॉलेज से कर सकते हैं, कहाँ क्या करें, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक लिंक, इंस्टा लिंक, ईमेल आईडी सब कुछ है, आप मुझे किसी भी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप बिल्कुल मैसेज कीजिए। और ये जो मैंने वीडियो बनाया, ये लास्ट वाला जो वीडियो था जिसपे की था कि आप BDS के बाद या MDS करने के बाद आर्मी डेंटल कॉप्स में कैसे जा सकते हैं, तो उसी से मुझे बहुत सारे लोगों ने ये मैसेज किया था कि मुझे नहीं करना है डेंटिस्ट्री में आगे कुछ भी, तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप MBA के लिए जा सकते हैं। MBA इज द बेस्ट ऑप्शन अगर आपको डेंटिस्ट्री में आगे कंटिन्यू नहीं करना है और आप चाहते हो कि बहुत अच्छा हैंडसम सैलरी मुझे मिले, एक अच्छा पोजिशन मिले, तो बेस्ट है कि आप MBA के लिए जाएं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा और बहुत सारी जानकारियां भी मिलेंगी। आप प्लीज मुझे सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।